फाइनली दोस्तों आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल का एक और नया वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों अगर आपका फेसबुक अकाउंट लॉग इन नहीं हो रहा है या फिर लॉग इन करते टाइम कुछ इस तरह से प्रॉब्लम होती है, फेसबुक विल बी बैक सोन या फिर लॉग इन करते टाइम आपके सामने ऑप्शन आती है लॉग इन फेल, कुछ इस तरह से ऑप्शन आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपना अकाउंट को आप कैसे ओपन कर सकते हैं और आपका अकाउंट में वो प्रॉब्लम क्यों आती है, किस लिए आती है, कब आती है और इस अकाउंट को आप मतलब इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली बताऊंगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आपको ट्रिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दोस्तों देखिए जैसे आप लॉग इन करते हो तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आती है, या फिर अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन या फिर ऑफिशियल एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो अपना नंबर और पासवर्ड देके, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो रहा है, लॉगिन इज फेल्ड, अनसपोर्टेड पोस्ट रिपोर्ट, कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा आप कैसे आईडी को ओपन कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों अगर आपने कोई ब्राउजर में जाके अपना आईडी और पासवर्ड देके कुछ इस तरह से लॉगिन करते हो तो मैं आपको दिखाया, तो ब्राउजर में भी क्या इंटरफेस आती है, ठीक है। दोस्तों अगर आप ब्राउजर में भी इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, दोस्तों अगर आपने ब्राउजर में जाके अपना आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से ब्राउजर में भी इंटरफेस ओपन हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर आपका अकाउंट ही ओपन नहीं हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं प्राइवेसी के लिए नंबर को थोड़ा सा हाइड कर लिया था और यहाँ पर दोस्तों देखिए कुछ इस तरह से लॉग इन विल बी मतलब कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा आप कैसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखो अकाउंट कुछ इस तरह से प्रॉब्लम में फंस चुका है और मैंने 2-3 बार मतलब अकाउंट को फॉरगेट भी किया लेकिन अकाउंट जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताऊंगा आप कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों देखो अकाउंट में वो प्रॉब्लम आती है तो अकाउंट में वो प्रॉब्लम क्यों आती है, ठीक है। दोस्तों अगर फेसबुक में कोई अपडेट चल रहा है मतलब फेसबुक में कोई अपडेट होती है तो कभी कभी कुछ आईडी में वो प्रॉब्लम होती है, मतलब सारी आईडी में नहीं होती है। या फिर अगर आपने अपना फेसबुक अकाउंट में बहुत सारे टाइम से मतलब बहुत टाइम से एक्टिव रहा, जैसे कि आप 3-4 घंटे से अपना फेसबुक कर रहा हो, फेसबुक में एक्टिव हो बिना कोई मतलब फेसबुक को बैक करके, तो आपका अकाउंट में वो प्रॉब्लम भी आ सकती है, पर्सनल ब्रेक भी आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मेंटेनेंस ब्रेक दिया है और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वो मेंटेनेंस ब्रेक है फेसबुक का अपडेट के लिए ऐसा हुआ है और वो कुछ दिन में मतलब यहाँ पर कुछ ही मिनट में या फिर कुछ ही घंटे में वो सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादातर ऐसे अकाउंट 2-3 घंटे में सॉल्व होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। और आप मतलब 2-3 दिन लॉग इन मत करना हो तो आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको कुछ स्टेप बता देता हूँ, आपको इस स्टेप को फॉलो करना होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखो अकाउंट कुछ इस तरह फंस चुका है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपना कोई भी ब्राउजर में आईडी लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद ब्राउजर में एक नया टैब ओपन कर लेना होगा, ठीक है। ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर टाइप कर लेना होगा रिपोर्ट एंड लॉगिन इशू, कुछ इस तरह से, ठीक है। आप लोग जैसे टाइप करेंगे आपके सामने फेसबुक का जो पहले वाला एक लिंक आ जाएगा, मतलब हेल्प सेंटर का एक वेबसाइट आ जाएगा, रिपोर्ट एंड लॉगिन इशू फेसबुक वाला, इसे ओपन कर लेना होगा। आप लोग जैसे इसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आ जाएगा, सबसे पहले जो एक ऑप्शन आ रहा है कॉन्टैक्ट मेल, यहाँ पर आपका फेसबुक अकाउंट में जो मेल एड है इस मेल को यहाँ पर टाइप कर लेना होगा कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू, ठीक है। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में क्या टाइप कर लेना होगा मैं आपको बताया, तो आपको सिंपली आपको आपका अकाउंट में जो प्रॉब्लम आ रहा है इस प्रॉब्लम को आप टाइप कर सकते हो, या तो सिंपली आपको आ जाना होगा पहले वाला पेज में, मैं आपको दिखाया था किस पेज में आ जाना होगा आपको। दोस्तों ये पेज में आने के बाद आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है इस प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरह से कॉपी कर लीजिए, आपका वो सारे प्रॉब्लम को कॉपी कर लीजिए कुछ इस तरह से। उसके बाद आ जाना होगा आपको रिपोर्ट या लॉगिन इशू वाला पेज पर, कुछ इस तरह से आ जाना होगा। आने के बाद सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू में यहाँ पर इस मतलब इस टेक्स्ट को कुछ इस तरह पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। आप लोग चाहे तो यहाँ पर अपना नंबर पासवर्ड मेल और डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड कर देना अच्छा होगा, ठीक है, आप भी कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर इस पेज का मतलब आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है इस प्रॉब्लम का एक स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। लेने के बाद यहाँ पर जो एक ऑप्शन आ रहा है स्क्रीनशॉट, यहाँ पर चूज फाइल में क्लिक करके आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था इस स्क्रीनशॉट को कुछ इस तरह से अटैच कर देना। करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा सेंड का, तो आपको सिंपली सेंड में क्लिक करके सेंड कर देना होगा और दो तीन सेकंड में आपका जो आप लेना कम्प्लीटली फेसबुक का हेल्प सेंटर में कुछ इस तरह से सबमिट हो जाएगा। आपको देख लीजिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको डेस्कटॉप और ऑफ करके दिखाया, तो आप लोग देखिए कुछ इस तरह से सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और नया टैब ओपन कर लेना होगा, ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करके टाइप कर लेना होगा कुछ इस तरह से सिक्योरिटी चेक प्रिवेंटिंग लॉगिन, ठीक है। कुछ इस तरह से सिक्योरिटी चेक प्रिवेंटिंग लॉगिन लेकर टाइप करके सबसे पहले बार जो एक ऑप्शन आ रहा है फेसबुक का हेल्प सेंटर का, इसे ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद सेम चीज आपको यहाँ पर मतलब सेम टैब आपको यहाँ पर फॉलो कर लेना होगा, सेम स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पर आपका मेल, आपका अकाउंट का मेल और आपने जो टेक्स्ट कॉपी किया था टेक्स्ट टाइप कर लेना होगा। और यहाँ पर आपको चूज फोटो में क्लिक करके आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था पहले इस स्क्रीनशॉट को
पेस्ट कर मतलब यहाँ पर अटैच कर दीजिए। करने के बाद सिंपली आप सबमिट में मतलब सेंड में क्लिक कर दीजिए तो आपका जो अपील है ना कम्प्लीटली फेसबुक का हेल्प सेंटर में कुछ इस तरह से सबमिट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए अपील सबमिट हो गया। ठीक है दोस्तों, आप आपको करना क्या होगा, आप आपको कम से कम 2-3 घंटे वेट कर लेना होगा और आप ज़्यादातर 24 आवर्स वेट कर सकते हैं, या तो आप 2-3 दिन अकाउंट को ऐसे छोड़ दो लॉग इन मत करो तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो वो प्रॉब्लम सारे अकाउंट में नहीं आते, कुछ कुछ अकाउंट में फेसबुक जब अपडेट होती है तो भी मतलब तब इस प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आज के वीडियो इतने, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना एक लाइक। तो अगर आप चैनल का वीडियो पहले बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल में जाकर और भी कुछ वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।